भगवद गीता यथारूप है दो श्लोक संख्या 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने हे। या जो निशा रात्रि है सर्व समस्त भूतानां जीवों की तस्यां उसमें जागृति जागता रहता है। संयमी आत्मसंयमी व्यक्ति यस्यां जिसमें जागृति जागते हैं भूतानि निशा रात्रि पश्यतः आत्मनिरीक्षण करने वाले मुने मुनि के लिए जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य व्यास ए जगते दुई रकमेर बुद्धिमान लोक आछे। एक धरनेर बुद्धिमान लोक इंद्रिय भोग तृप्तिर उद्देश्ये विषयिक व्यापारे खूब उन्नति लाभ करे আর অন্য ধরনের বুদ্ধিমানেরা আত্মানুসন্ধানী এবং আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের চেষ্টা সদা জাগ্রত। আত্মানুসন্ধানী সাধু বা চিন্তাশীল মানুষেরা কাজকর্ম জনজাগতিকভাবে আচ্ছন্ন মানুষদের কাছে যেন রাত্রির অন্ধকার বলে মনে হয়। আত্ম উপলব্ধি সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যই জনজাগতিক মানুষেরা তেমন রাত্রির অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু তত্ত্বদর্শী মুনি জনজাগতিক মানুষদের রাত্রিতে সজাগ থাকেন। এই সময় সাধুজন আধ্যাত্মিক চর্চায় ক্রমশ অগ্রগতির মধ্যে অপ্রাকৃত আনন্দ উপলব্ধি করে, আর তখন সংসারী লোক রাত্রিতে ঘুমিয়ে থাকে, নানা রকম ইন্দ্রিয় উপভোগের স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্নে সে কখনো নিজেকে সুখী মনে করে, কখনো ঘুমের ঘরে দুঃখীও মনে করে। এই সমস্ত জড়জাগতিক সুখ দুঃখের প্রতি আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তি সর্বদাই উদাসীন থাকে। তিনি জড়জাগতিক প্রতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ নিষ্পৃহ থেকে আত্ম উপলব্ধির কাজে সশ্রেষ্ঠ থাকেন। হরে কৃষ্ণ। তো ইস শ্লোক মে কৃষ্ণ স্পষ্ট বতাতে অন্তর ক্যা হে ভৌতিকতাবাদী ওর ভক্ত আত্মা সংযমী। ইহা কৃষ্ণ বতাতে জো আত্মা আত্মাকো মতলব আপনি ইন্দ্রিয়কো দমন করতে হ্যায় तो ये है कि कृष्ण ने उदाहरण दिया कि जैसे दिन और रात है, बहुत अंतर है, पूरा अंतर है, पूरा अंतर है। दिन में पूरा लाइट है, सब कुछ दिखाई दे रहे, और रात्रि में हम कुछ नहीं देख सकते। तो इस प्रकार भौतिकतावादी लोग, उनके लिए उदाहरण दिया श्रीला प्रभुपाद, वो जो इंद्र सुख है वो सब कुछ ही है, और इसके बारे में हमेशा विचार करते कैसे मेरा इंद्र सुख होगा। इस प्रकार ड्रीमिंग करते, स्वप्न करते उसके बारे में। और जो बात है वो इसमें कोई ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनका अनुभूति है कि ये केवल दुख है, क्षणिक है। उनका गति है, हेतु है भगवान की सेवा करना। तो अभी जब भौतिकतावादी लोग भक्तों को देखते हैं कि ये
माला करते हैं, इतना ज़्यादा पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बोलते ये सब बेकार है। रियल थिंग तो ये है, पढ़ाई करो, नहीं स्कूल में पैसा कमाओ, ये है। लेकिन जो भागते हैं वो देखते हैं, अरे टाइम वेस्ट, क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भौतिकवादी बोलते हैं ये टाइम वेस्ट है कि आप भक्ति कर रहे हैं इतना, और भाग सोचते कि ये जो लोग इतना इतना मेहनत कर रहे हैं भौतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ये इतना पैसा, ये इंद्रिय सुख, टाइम वेस्ट। तो वो खुद नहीं, इसीलिए अंतर है, बहुत अंतर है। अभी बात सोचते कि भौतिकवादी टाइम वेस्ट करते हैं, और भौतिकवादी लोग सोचते कि बात टाइम वेस्ट, एक दूसरे को सोचते कि टाइम वेस्ट करते हैं, तो कौन सा सही है, कैसे पता होगा? सोचेंगे अपनी तरफ से सब लोग सही है। लेकिन वास्तव में अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं और वास्तव में अगर हम देखते हैं, भौतिकवादी वास्तव में टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो भी प्रयास करते हैं अंतिम में वेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब जो भी प्रयास करते हैं जीवन में, अंतिम में मोघाशा, मोघ अकार मानो, मोघा ज्ञान अभिचेत सा, सब कुछ ज्ञान कर्म सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ निष्फल हो जाएगा। लोग जो भगवान की, भगवान को नहीं मानते, जिससे जो असुरी थे, बाप जो है माला करते हैं, पूजा करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सेवा करते हैं, लग रहा है कि कुछ लाभ नहीं है, लेकिन नेहा विक्रमनाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भया। थोड़ा थोड़ा सेवा भी करते हैं वो कभी भी नाश नहीं हो सकता है, और वो पुण्य जो मिलता है वो भक्त को रक्षा देंगे। त्रयते महतो भया, उससे बहुत बड़े बड़े दुख से बच जाएंगे। लेकिन अभी दिखा नहीं दे रहे, तुरंत एक चीज का अनुभूति तो है भक्तों का कि शांति आनंद संतुष्टि मिलता है। तो अभी एक एक समस्या आता है भक्तों का, भक्त जो साधना भक्ति में आते हैं, अभी पहले भौतिकवादी थे, अब थोड़ा लाइन में आ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हाँ भक्ति भी करना और भौतिक भी करना है। लेकिन यहाँ क्लियरली है उल्टा है, मतलब अंत दोनों साथ साथ नहीं चलता है, दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। कई बार भक्त जब प्रचार करते हैं, एक है कि खुद डर लग रहा है, माला करना तो सबके सामने नहीं दिखा, बाहर माला नहीं लेते, डर लगते कि लोग क्या बोलेंगे। दूसरा है धोती नहीं पहनेंगे, बाहर जाएंगे तो चेंज करेंगे, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे। हो सकते कि नौकरी में अलाउ नहीं होगा, कई बार तो एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन भारत में धोती में जाना शर्म नहीं होना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समझना चाहिए कि ये भौतिकवादी, ये लोग सोते हैं। अभी श्री प्रभुपाद बोले कि लोग जो भौतिकवादी है वो स्वप्न करते हैं इंद्रिय सुख के बारे में, मतलब मोह माया में सोते हैं। इसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जीव जागो गौर चंद्र बोले, उठो उठो इस मोह माया से उठो बाहर। तो इसे हमें ये सोचना नहीं कि ये लोग क्या बोलेंगे, ये तो एनीवे सोते हैं अभी, अब बोलेंगे अरे क्या हुआ आप, क्या साधु बन गया, मीरा बन गए, ऐसे बोलेंगे कि आप तो बहुत सब सब कुछ कर रहे हैं। एनीवे वो लोग सोते हैं, हम क्यों महत्व देंगे, इसमें ध्यान नहीं देना। बाद में जब हम प्रचार करते हैं भक्तों को लग रहे आप, हम सीधा नहीं बताएंगे गीता के बारे में, थोड़ा ऐसे ऐसे बताएंगे कि लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़्यादा लोग आएंगे।
और लोग अगर हम बताएंगे बहुत कुछ नियमों के बारे में तो लोगों को लगेगा कि बहुत कठिन है, तो लोग सोचेंगे कि हम लोग इतना फैनेटिक है, हम लोग भक्त जो है ये सब सोचेंगे तो कुछ वो अलग है। तो ऐसे बताना है कि लोगों को लगेगा ये हम जैसे है। अगर लोगों के मन में आता है कि हरे कृष्णा लोग जो है भक्त जो है कृष्णा के ये हम जैसा है, मतलब हम प्रचार सही नहीं करते, दिन और रात का अंतर होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि कौन है। जैसे कि कृष्ण भगवान वो हम सीधा नहीं बताएंगे क्योंकि लोग विरोध करेंगे, ये तो बताना है भगवान कौन है कृष्णा। ऑफ कोर्स बाद में हम समझाएंगे क्यों कृष्णा है, शास्त्र के आधार पर सीधा ही बताएंगे। अगर हम ऐसा ऐसा करता है इनफिल्ट्रेट समाज के साथ तो मतलब हम उसी स्तर पे आ गए, आगे उनके पास हम भी मोह माया के अंदर में वो करते हैं, और बहुत बड़ी संभावना है कि हम प्रभावित हो जाएंगे। जैसे कि प्रचार में एक ये है कि लोगों को अगर हम केवल गीता के बारे में बताते, केवल हरे कृष्ण के बारे में, तो लोग बोलते कि तुम लोग आप लोग कुछ नहीं करते समाज के लिए, हरे कृष्ण और गीता पढ़ने से क्या लाभ है, कुछ सेवा करो समाज के लिए, मतलब एक हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल खोलना है, लोगों को फ्री सबको फ्री खाना खिलाना, ये कुछ सेवा ऐसे करना है। तो बाद में बात सोचते हाँ, सही है, तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे और बाद में सब लोग आएंगे, बाद में हम हरे कृष्ण सिखाएंगे, लोगों को सिखाएंगे, गीता भी सिखाएंगे सब, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है समाज सेवा, और वो दान भी देंगे। अगर हम बोलेंगे हरे कृष्ण एक प्रचार के लिए, गीता का प्रचार के लिए आप कुछ दान कीजिए, तो ज़्यादा लोग नहीं देंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे देखिए हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बहुत सेवा करेंगे, बहुत देंगे पैसा, बोलेंगे हम तो इतने लोगों को फ्री खाना खिलाएंगे तो देंगे पैसा, तो अच्छा है। तब हम ऐसे ही करते हैं, बाद में क्या दिक्कत है यहाँ पर, समस्या ये है कि लोग बाद में सोचते हैं कि हरे कृष्णा जो है ये अच्छा लोग हैं, क्यों क्यों अच्छा है, क्योंकि समाज सेवा करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स बनाते हैं, क्योंकि फ्री खाना खिलाते हैं, क्योंकि स्कूल्स बनाते हैं, इसीलिए अच्छा है। इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि हरे कृष्णा जप करते हैं, और क्यों क्योंकि गीता के को पालन करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन मुख्य ये कि समाज सेवा करते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारा उद्देश्य जो है प्रचार का वो अभी अलग हो गया, मतलब लोग गलत चीज समझ पाए, क्योंकि बाप महान, बाप क्यों महान है, बाप क्यों इतना, जो भगवान कृष्ण के बाप थे इसलिए महान है क्योंकि कृष्ण के बाप थे, क्योंकि कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि आपने जीवन कृष्ण को समर्पित किया, कृष्ण के प्रिय है, इसीलिए महान नहीं है क्योंकि दूसरे लोगों की शरीर की सेवा करते हैं, भौतिक चीज, इसीलिए ये गलत है, गलत तरीका है। हाँ अगर बात प्रचार करते हैं तो प्रोग्राम है उसमें भी सबके लिए प्रसाद है, फ्री है, लेकिन सबको पता है कि ये कृष्ण प्रसाद है, क्लियर, ऐसे नहीं है कि आप हम नहीं बताएंगे कि ये कृष्णा प्रसाद है तब लोग ज़्यादा पैसा देंगे। जैसे ऐसा है नियम, सरकार का नियम है कि वो अगर आप फ्री खाना खिलाते बच्चों को और ऐसे तो आपको आपको मिलता है, मिल सकते पैसा। तो देखिए अगर हम बोलेंगे कि कृष्णा प्रसाद है, कुछ धर्म रिलीजन है उसके साथ, क्योंकि सरकार सेक्युलर है तो नहीं देंगे, इसलिए बात कई बार ऐसे करते हैं, ये किसी को नहीं बताते कि कृष्णा प्रसाद है, खिलाते हैं और बाद में पैसा मिलता है सरकार से, लेकिन बाद में ये गलत प्रचार है, गलत प्रचार ही नहीं है, एक्चुअली कोई प्रचार ही नहीं है।
सके सरकार पैसा देंगे भक्तों को, ये सही है एक्चुअली, ये उनका कर्तव्य है, लेकिन वो गलत विचार है कि इसीलिए दे रहे क्योंकि खाना खिला रहे, इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि प्रसाद खिला रहे। बहुत सूक्ष्म वो अंतर है। भक्तों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि भक्त है, क्योंकि साधु है, ये भगवान की सेवा करते हैं सेवा के लिए। क्या है ये जो आधुनिक सरकार और ये सब है, आधुनिक समाज पूरा असुरिक है। असुरिक मतलब कृष्णा को अलग करना, कृष्णा हमारे साथ, हम ये अलग है, सरकार शिक्षा सब अलग है, और धर्म अलग है। जिनका इच्छा है तो धर्म पालन कर सकते हैं, लेकिन ये है, ये मुख्य है। तो ये असुरिक चीज है ने? भगवान को अलग, सीता को पकड़ना और राम को मारना, ऐसा है। तो इसलिए हमारा प्रचार सीधा होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, अगर ये भौतिकतावादी लोग विरोध करते हैं, जब हम लोग प्रचार करते हैं और डिस्टर्बेंस हो रहा है, लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि हम वो मतलब कृष्णा की क्यों सेवा करना, वो डिस्टर्बेंस, तब मतलब कि हमारा प्रचार सही है। ऑफकोर्स इसका अर्थ नहीं है कि अभी हम जाएंगे लोगों के पास और हम विशेष लोगों को गुस्स वो करेंगे कि वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बस सीधा प्रचार जो गीता में है, जो महाप्रभु सिखाते हैं, जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ऐसे ही प्रचार करना है। और इसी में अगर लोग विरोध करते हैं तब मतलब ठीक है, हम इस बार सीधा प्रचार करते हैं, कुछ कुछ प्रचार हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि जो असुरिक लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उनको धर्म और कृष्णा पसंद नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है। ये उदाहरण स्वयं कृष्णा लीला से ही है। कल बलराम पूर्णिमा में हम देख रहे हैं कि असुर कितना परेशान हो जाते हैं जब कृष्णा है, कृष्ण बलराम है, तो क्या तुरंत प्रयास करते हैं कृष्ण को मारने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसा नहीं है कि असुर आराम से बैठते हैं, ऐसा वो अटैक करते हैं भक्तों को, कृष्ण को। तो अगर अगर हम लोग सीधा कृष्णा, जब हम सीधा यथारूप परंपरा के अनुसार प्रचार करते हैं, प्रचार मतलब क्या, सततम् कीर्तयन्तो माम्, सदैव भगवान का गुणगान करना। प्रचार मतलब गुणगान, नाम के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, ये है। क्योंकि आप सोचेंगे उस समय तो कृष्णा थे, अब तो कृष्णा नहीं है, तो असुर कैसे क्या करना। वास्तव में अगर हम निस्वार्थ भाव परंपरा के अनुसार भगवान का गुणगान करते, प्रचार करते हैं, तब कृष्ण उपासित है, इसका प्रमाण है। नाहम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारद। ये भगवान स्वयं उन्होंने कहा कि मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ और योगियों के हृदय में भी मैं वास नहीं करता हूँ। जब भी वैकुंठ तपाती है भगवान विष्णु, जब भी योगी भगवान को देख सकते हैं अपने दिल में, फिर भी कृष्णा ने कहा कि मैं वहां वास नहीं करता हूं, परंतु जहां मेरे बाप मेरा गुणगान करते, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, मेरे बाप जब मेरा गुणगान करते, तत्र तिष्ठन्ति नारद, हे नारद वहां मैं उपस्थित हूं। तो जब हम प्रचार करते हैं तो वास्तव में अगर परंपरा के अनुसार है निस्वार्थ भाव, तब भगवान स्वयं उपस्थित है उसी जगह। और भगवान जब उपस्थित है, जो असुरिक एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर में ज्यादा द्वेष है, ईर्ष्या, काम, क्रोध, ये ज्यादा है, तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो लोग द्वेष करते हैं, द्वेष करते हैं। श्रील प्रभुपाद विदेश में जब प्रचार हुआ अमेरिका, तो शुरुआत में ठीक है चल रहा प्रयास संघर्ष, बाद में जब ज्यादा बात ज्वाइन करने शुरू किया, ज्यादा लोग माला शुरू किया, कीर्तन, ऐसा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। पुलिस, विशेष जो पेरेंट्स हैं, पिता माता जो
उनके बादशाह ज्वाइन किया फुल टाइम, तो वो कोर्ट केस, पूरा कोर्ट केस चल रहा था, पूरा ये आंदोलन को बंद करने के लिए प्रयास हुआ, ये प्रमाणिक है कि नहीं। तो श्रील प्रभुपाद बहुत खुश थे एक्चुअली, क्योंकि उसमें उसने न्यूज़पेपर में बार बार आया हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वो लोग जितना भी उल्टा लिखा कि हरे कृष्णा ऐसा ऐसा है, लेकिन ये नाम तो आना चाहिए हरे कृष्णा। तो उन्होंने केवल पूछा भक्तों से, जब बोला कि एक आर्टिकल आया दोबारा न्यूज़पेपर में हमारे विरोध, श्रील प्रभुपाद ने केवल पूछा कितनी बार हरे कृष्णा लिखा, कृष्णा का नाम कितनी बार दिया उसने, जितनी बार दिया इतना अच्छा है। अब वो अच्छा लिखा ये उल्टा गलत लिखा ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कृष्णा आ गया उसमें। और ये लोग लोग डिस्टर्ब है कि हम प्रचार कर रहे हैं, अच्छा है तो इसका अर्थ है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए लोग डिस्टर्ब है। अगर हम ऐसे बैठेंगे और केवल माला करेंगे, गीता घर पे पढ़ेंगे या मंदिर के अंदर, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होंगे, लोग परेशान नहीं होंगे, लेकिन प्रचार नहीं हो रहा है, लोगों का उद्धार कैसे होगा, भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे अगर हम प्रचार नहीं कर रहे। उसी समय श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जितना ज्यादा ये असुर परेशान करते हैं हमको, मतलब जितना जितना ज्यादा ये लोग विरोध करते हैं, इतना मतलब कि हम अच्छा प्रचार कर रहे, हम प्रयास कर रहे। तो ऐसे करना जरूरी है। ऑफकोर्स दोबारा याद रखना कि हम जानबूझ के लोगों को परेशान नहीं करना, ये भक्तों का नहीं है। एक ही अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा ये वचन, भक्तों के अंदर मैत्र और करुणा, सबको दया करना, मैत्र भाव सारे जीवों के साथ। और इसीलिए ये करुणा मतलब कि ये दिव्य ज्ञान तो प्रचार करेंगे जैसे है, सीधा ही बात बताएंगे, अगर इसमें लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि तो ये अच्छा नहीं लगते हैं, तब क्या करेंगे, ये अलग चीज है। लेकिन कि हम नहीं बताएंगे, ये उदाहरण इस प्रकार है, अगर व्यक्ति सो गया, व्यक्ति सोते हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ऐसे जानबूझ के, अब ये सो रहे अब थक गया तो जानबूझ के हमको वो करेंगे, तो ये गलत है। ठीक है, आप ये व्यक्ति सो गया लेकिन उनका घर जल जल रहा है, पूरा आग लग गया, तो हम सोचे ओह डिस्टर्ब नहीं करना, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो सही है क्या, वो समय अरे किच क्या लाया, उनको जल जाएंगे। तो ये परिस्थिति है, अभी लोगों को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन अभी लोग मोहमाया में है, वो लोग जो कार्य करते हैं वो पाप है, सब लोग दुखी होंगे ये निश्चित है, सब लोग नरक जाते हैं अभी कलयुग में। तो हम बोलेंगे डिस्टर्ब नहीं करना है, हमारे पास ज्ञान है सही क्या है और परम आनंद कैसे प्राप्त करना, और हम बोलेंगे नहीं ठीक है चलो, वो हम अपना करेंगे, वो अपना करेंगे, नहीं ये हिंसा है, ये गलत है, हमें सबको बताना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करना। आप लोग नहीं समझ सकते, सब समझाना प्रयास करना समझाने के लिए। तो ये जो कृष्ण बताते यानी शास सर्वभूतानां, ये लोग सब मोहमाया में सोते और भक्त जागृत मतलब उल्टा है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि सबको उठाना है, इस उठना क्या बोलते हैं, उठाना उठाना वेक वेक देम आप, मतलब जगना है, जगाना है सबको, जगाना है, ये प्रचार है। तो अच्छा नहीं लगेगा जैसे हम किसी को जगाते सुबह, उठो मंगल आरती, नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता है उठने में, बस उनके लिए अच्छा है उठना है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है हमेशा उठना है सुबह, थक गए कोई ऐसे, अरे उठना है तो उठना है, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन करना है। ऑफकोर्स लोग तुरंत नहीं उठेंगे भक्ति से, भक्ति करने के लिए,
फिर भी भक्तों का प्रयास होना चाहिए। और ये है एक और उदाहरण डॉक्टर का और पेशेंट का, नहीं प्रचार। कई बार डॉक्टर जब व्यक्ति को ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये जो व्यक्ति जो बीमार है उनको दर्द लग रहा है, और कई बार कुछ दबाना है आपको चेक करने के लिए कि पेन है कि नहीं, नहीं कुछ लग गया तो ये कर रहे तो उनको पेन आता है, तो इतना आता है कि पेशेंट डॉक्टर को मार देते इतना उनको पेन आता है। तो डॉक्टर क्या कर रहे, उनको वापस मारते हैं? नहीं, वो सहन कर रहे, और फिर भी डॉक्टर ट्रीटमेंट बंद नहीं करते, आप आगे और प्रयास कर रहे हैं उनको मदद करने के लिए, क्योंकि जानते हैं लोग अभी बीमार हैं, उनको बहुत समस्या है, उनको हेल्प करना है। तो इस प्रकार लोग हमको गाली भी देंगे, उल्टा भी बोलेंगे, मारेंगे भी हो सकता है, फिर भी प्रचार तो करना है आगे आगे, क्योंकि लोग जो मोह माया में है वो जानते नहीं सही क्या है, इसे उनको समझाना है, वो उल्टा भी बोलेंगे तो सहन करना पड़ेगा और आगे प्रचार करना। तो इस प्रकार बस हमारा ये है कि हमारे हम अगर हम ये जो बोलते हैं यहाँ पर क्या संयमी संयमी, हमें संयमी बनना है, भक्त मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, इन लोगों को थोड़ा संतुष्ट करना, समाज को संतुष्ट करना और कृष्ण को भी थोड़ा संतुष्ट करना, कृष्ण को संतुष्ट करना और समाज को हम संतुष्ट करना ही है, लेकिन सही तरीक़े से आध्यात्मिक ज्ञान देने से। लेकिन कि हम ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे लोग करते हैं कि वो लोग बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे उल्टा, ऐसा नहीं। और जो गंभीर लोग हैं जो श्रद्धालु लोग हैं वो तो अप्रिशिएट करते हैं कि बाप स्ट्रिक्ट है, कि बाप सेवा करते हैं कृष्ण को, कृष्ण का प्रचार करते हैं, लोग आधार करेंगे मतलब भक्तों को। ऑफकोर्स भक्त आधार के लिए ये नहीं करते, लेकिन लोग ये अप्रिशिएट करेंगे। नहीं कई बार हमको डर लग रहा है कि हम लोगों को बताएंगे ज़्यादा, लेकिन जो सीधा बताते हैं और तिलक बार बार लगाते बाहर जाते तो थोड़ा देर के बाद सब लोग जानते कि ये हरे कृष्णा है, और जब लोग आपको देखते हैं क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा। हो सकता है कि वो लोग बात नहीं है फिर भी बोलेंगे हरे कृष्णा, तो क्या है इससे उनका लाभ हो रहा है, भगवान को याद कर। तो इस प्रकार लोग जग सकते हैं माया से, प्रगति कर सकते हैं, इस प्रकार हमारे आचरण से प्रचार हो रहा है एक्चुअली। तो ये है, और कई बार भक्त ये सब कुछ करते हैं, जैसे कल रक्षाबंधन था तो भक्त भी ये करते हैं, सोचते हम भी करेंगे, पता नहीं क्यों करते हैं। देखिए ये सब नहीं, ये सब कर्म बंधन है, कर्मकांड कर्म बंधन। रक्षा बंधन के इसका अर्थ क्या है कि भाई अपनी बहन को रक्षा करेंगे, ऐसा तो कैसे करेंगे रक्षा, कैसे कर सकते हैं जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से रक्षा कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। कौन रक्षा कर सकते हैं, रक्षिष्यति इति विश्वासो, कृष्ण ही। इसलिए हमारा संबंध कृष्ण के साथ बनाना है, और ये एक्चुअली ये भाई वो रक्षा करेंगे का, भाई वहां रहते हैं 300 किलोमीटर दूर, तो आपको कुछ दिक्कत हो गया तो क्या करेंगे उस समय, क्या करेंगे उस समय अगर आपको एक्सीडेंट हो गया है, बीमार हो गया। हाँ आएंगे, लेकिन एक दो दिन तो लगेगा आने में, तो तब तक आपका खत्म होगा। तो लेकिन कृष्ण तो साथ है, इसलिए कृष्ण के साथ रक्षा बंधन करना, लेकिन उसके लिए राशि बनना जरूरत नहीं है, उसके लिए हरे कृष्ण जप करना है, भक्ति करना है। तो इसीलिए जो भक्त है
वो केवल भक्ति करने से उनका सारे सारे जो रीति है सब कुछ हो गया। इसे हम सुबह बोलते ना, आत्मा नाम अपराध कौन सा है? वैदिक पुण्य कर्म कांड और यह महामंत्र एक समान नहीं है। यस, अगर हम सोचते कि है तब अपराध है। ये सब कर्म कांड, रक्षा बंधन, कर्म बंधन, ये सब कर्म बंधन है। कर्म कांड कर्म बंधन मतलब हम लोग बंद हो जाएंगे मोह माया के अंदर, बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन हरे कृष्ण जप करने से चेतोदार परमार्जनम, ये जो अंदर में बंधन है वो सफाई हो रहा है, कट हो रहा है। तो ये विश्वास होना चाहिए, तब ये सब करना जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है और करना ही नहीं, नहीं तो गलत प्रचार हो रहा है। तब लोग बोलते हैं हाँ ये सब करना चाहिए, नियम बन गया, बाद में ऐसे एक नियम बन जाता है, हमें ये करना करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो भक्ति में प्रगति नहीं होगा और ऐसे कुछ। ये बस करते ऐसे ही, पहले से आ सकती है, ये भी हो सकते हैं, पहले हम किया तो आप नहीं करेंगे। जैसे अब उस समय पूछ रहे थे ना कि हम भक्ति कर रहे किया, लक्ष्मी पूजा नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं करेंगे जो हम किया पहले, ये नहीं करेंगे, हाँ हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम कृष्ण की कर रहे हैं और इससे वास्तव में सारे पूजा कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि नहीं करेंगे। पहले आसक्ति बन गया कि बचपन से हम किया करना है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये भक्तों के लिए नहीं है, भक्तों को करना नहीं है। भक्तों को केवल क्या करना, जो कृष्ण के उत्सव हैं, ये जैसे बालाराम पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, बाद में आचार्यों का आविर्भाव, ये तिरुभाव दिवस है, उत्सव बनाना, बहुत सारे उत्सव हैं। अगर आप चाहिए तो जनरली हम क्या आचार्यों का हम क्या बनाते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद आविर्भाव है जन्माष्टमी के बाद, श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद गौरकिशोर नजर जी, ऐसे ये हम बनाते हैं, बाकी इतना नहीं। लेकिन आपको चाहिए उत्सव करना ज़्यादा, तो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सब कर सकते हैं। अगर उत्सव करना है तो 12 बजे तक व्रत कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना। आजकल ये भी इस संबंध में है, आजकल लोग भक्त अपना बर्थडे बनाते, भक्त हरे कृष्ण तो यू बर्थडे केक और सब क्योंकि पहले करते थे और अब सोचते हम कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस तरीका हम भी करेंगे ऐसा। लेकिन और बाद में ये तर्क आते ये तो आविर्भाव दिवस है, हाँ लेकिन ये जो बाकी आचार्यों का आविर्भाव दिवस है जो हमसे बहुत बहुत बड़े हैं उनका हम नहीं बनाते, हाँ प्रभुपाद का बनाते और कुछ लेकिन बहुत सारे और हैं तो उनका बनाना चाहिए। हमारा हमारा जरूरत नहीं, हमारा आसक्ति है कि उस दिन लोग हमको बर्थडे गिफ्ट देंगे और ऐसे कुछ। उस दिन अगर कुछ करना है किसी को बताना नहीं कि मेरा बर्थडे है आज, लेकिन बस थोड़ा एक तरह सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, लेकिन किसी को बताना नहीं क्योंकि बाद में ये अपेक्षा थे कि लोग मेरा गुणगान करेंगे। हमें सेवा करना है उस दिन, तब सेवा करेंगे तब आशीर्वाद आएगा, ये सही है। तो मतलब ये पॉइंट है कि ये श्लोक के संबंध में है कि हम सोचते दूसरे लोग पहले हम किया और दूसरे लोग भी करते हम भी करते हैं, नहीं भक्तों को ये करना नहीं। दिन और रात अलग, ठीक है। किसी का कुछ प्रश्न है, जिज्ञासु श्रेय उत्तम जो प्रसाद जो हमको करता है वर्गमन पूछाता है क्या करते हैं प्रसाद प्रचार प्रचार नहीं प्रसाद प्रसाद हाँ प्रसाद जो जैसे थोड़ा इधर में ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया हाँ तो प्रसाद लेके
सदर में घर घर में दिया। हाँ तो उसमें कोई बात नहीं ना, ये अच्छा है, ये करना है। अगर ज्यादा हो गया तो वेस्ट हो जाएगा, प्रसाद का भी फेंकना ही नहीं, तो इसीलिए सबको देना है लोगों को। और तुम बोल सकते ये प्रसाद है, यहाँ ये पॉइंट था शायद आपको कि प्रसाद वितरण गलत नहीं है। ऐसा श्रील प्रभुपाद ने कहा, कम से कम कीर्तन उसके साथ करना। अगर हम केवल प्रसाद वितरण करते और हम नहीं बोलते कि ये प्रसाद है, ये इतना अच्छा नहीं है, लोग बाद में वो गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, खाना है ऐसा, या हम बोलते हैं कृष्ण प्रसाद है। हाँ यस है, कई बार केवल यहाँ नहीं, वहाँ भोपाल में कैसे करते थे, रेलवे स्टेशन रात को लोगों को जगाते, सब लोग वेट करते वहाँ, प्रसाद प्रसाद उठते और 12-1 बजे भी ऐसे हुआ। नहीं कोई रथ यात्रा तो बहुत ज़्यादा प्रसाद बाज गए, कल खराब होगा क्या करना, तो तुरंत जाना है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर हम केवल लोगों को बस प्रसाद खिलाते ऐसे हैं और हम सुनाते नहीं जनरली, अगर हम मान लीजिए उत्सव बनाते और उसमें उसमें प्रसाद केवल कथा नहीं है, जिसमें शिक्षा होगा नए लोगों के लिए, ये इतना अच्छा नहीं है। ठीक है ये तो है, लेकिन हर दिन हम भी नहीं जाते हैं प्रसाद वितरण करने के लिए। हाँ कर सकते हैं इस प्रकार, मान लीजिए हम प्रचार में जाते हैं और हम बुक वितरण करते घर घर, तो हम प्रसाद भी रख सकते साथ थोड़ा, तो ले सकते जो बुक ले रहे हैं, या कई बार बुक नहीं लिया उनको थोड़ा दिया, बाद में फिर बुक ले लेते क्योंकि आपने मुझे प्रसाद दिया तो मैं आपको कुछ देता हूँ, तब वो लक्ष्मी दिया तो उनको बुक दिया। विदेश में हम भी आ सके नहीं बुक नहीं लेंगे, बुक नहीं आती है कोई बात नहीं, ये आपके लिए थोड़ा हाँ प्रसाद ऐसे स्वीट प्रसाद, ओ अच्छा ठीक है भाई तो मैं आपको देता हूँ कुछ, तो वो कुछ लक्ष्मी दिया तो तब हाँ ठीक है भूख मिलती है ऐसे, ये सब हो सकते हैं। बात ये है कि हम केवल प्रसाद के लाने वाले नहीं है, हम ज्ञान भी देना है।